नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो हुनरबाज शो को आपने भी देखा होगा, और अगर आप एक बिहारी हैं तो आपका भी फेवरेट कंटेस्टेंट वही होंगे जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। भागलपुर के आकाश सिंह नाम तो आपने भी सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने आकाश का नाम नहीं सुना उन्हें भी अब इनके बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि आकाश ने वो करिश्मा कर दिखाया है जिससे बिहार का हर एक नागरिक गौरवान्वित हो उठेगा। हालांकि हम इस हुनरबाज के हुनर को आपको बताएं, उससे पहले आपको तो पता ही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की धरती से हमेशा नए नए टैलेंट उभरते रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा एक बार फिर हुआ 22 जनवरी वो दिन जब इस नए शो की शुरुआत टीवी के जाने माने चैनल कलर्स पर हुई। कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो हुनरबाज में एक से एक हुनरबाज आए। देश के कोने कोने से कई प्रतिभाओं ने इस शो में हिस्सा लिया, लेकिन कहते हैं जो रेस में सबसे आगे निकलता है नाम भी उसी का होता है, साथ ही एक बिहारी सब पर अक्सर भारी ही होता है। इसी को साबित करते हुए हुनरबाज के इस रेस में बाजी मारने में बिहार कला कामयाब हुआ है। भागलपुर के आकाश ने अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ ऑडिशन राउंड में ही जजेस का दिल जीता था, बल्कि फिनाले में भी ट्रॉफी पर अपना नाम दर्ज करवाया था। सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, आकाश को जीतने के साथ ही 15 लाख रुपए का इनाम भी मिला। हालांकि आकाश इस शो में कमाल करेंगे ये तो पहले दिन से ही तय हो गया था, जब उनकी कमाल की परफॉर्मेंस देखकर और उनकी मेहनत की कहानी को सुनकर जजेस भी अपने आंसू रोक नहीं पाए थे। इस शो के जज परिणीति चोपड़ा, मिथुन चक्रवर्ती और करण जौहर ने आकाश के टैलेंट की खूब सराहना की थी। वहीं आकाश को मिली जीत के बाद उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जीत के साथ ही आकाश ने खुशी जाहिर करते हुए इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता को दिया है। आकाश का कहना है कि इंसान अगर चाहे तो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। गरीबी किसी की सफलता के रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती है, बस करने की लगन लोगों में होनी चाहिए। आकाश को जीत की राशि के रूप में जो 15 लाख रुपए का इनाम मिला, उस पैसे से वो माता पिता के लिए घर बनवाने का काम करने वाले हैं। उससे पहले वो अपने माता पिता को मुंबई दर्शन भी करवाना चाहते हैं, क्योंकि आकाश का जीवन खुद ही काफी संघर्षों से भरा हुआ रहा है। भले ही आकाश आज इस खिताब को जीतने में कामयाब हुए हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उन्हें कई ठोकरे भी खानी पड़ी है। आकाश पिछले 4 साल से मुंबई में ही रहकर पोल डांसिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो लाइट और पिलर और पार्कों में लगे पिलर पर डांस की प्रैक्टिस करने का काम करते थे। यकीनन आकाश के टैलेंट को देखकर आप भी एक बार यही सोचेंगे कि शायद आकाश ने किसी बड़े इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है, लेकिन आकाश ने इन किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि उन्होंने खुद ही इन सभी चीजों की प्रैक्टिस की थी। और इस शो का हिस्सा बनने के बाद, जीत मिलने के बाद, अब वो आगे बॉलीवुड में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं और अपने जैसे हुनरमंद की मदद करना चाहते हैं। आकाश का भागलपुर से माया नगरी मुंबई का सफर काफी पीड़ादायक है। आकाश का बचपन एक रूम के खपरेल के घर में बीता था। अभी भी आकाश की माँ मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती है। आकाश का परिवार भी अब अपने बेटे की तरक्की पर खुश है, साथ ही बिहार के भी लोगों को आकाश पर बहुत गर्व है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।